भाई और भाभी साथ ही मेरी आई टेक्निकल अलाइनमेंट हो रही है, इसको बता रहा हूं बाकी भी है एंड एफ हमारी सीट है विंडो से completamente pieno. Vi chiediamo cortesemente prima di mettervi seduti di posizionare tutti i vostri. This is Tanner Bush and I'm just leaving. और सुबह का टाइम है तकरीबन 5:40 हो गए हैं और मैं फिर निकल पड़ा हूँ. जर्नी कर दी है स्टार्ट इटली के लिए और देन पाकिस्तान. एक दिन इटली रुकना है और फिर पाकिस्तान. तो जर्नी हो गई है हमारी स्टार्ट फ्रॉम टारनबुश. उठे हैं, नाश्ता किया है और अब मैं आईसी लेनी है बॉन एचबीएफ से, बॉन हाफ बॉन होप या सिटी सेंटर के करीब ही मोस्टली स्टेशन होते हैं हर सिटी में जो सेंट्रल स्टेशन होता है. तो वो लेके तो निकलता हूँ आगे, फिर फ्लाइट पकड़नी है एंड देन इंशाल्लाह इटली. आज का दिन इटली इंजॉय करेंगे. तो आपने कनेक्टेड रहना है सही है, फॉर द होल जर्नी सब सफ़र में साथ देना है ठीक है. देखिए तो मैं आ गया हूँ बॉन एचबीएफ, बॉन हाउथ बॉन हॉप. तो मैं इस वक्त हूँ प्लेटफॉर्म एफ एंड जी के दरमियान ठीक है. और मैंने प्लेटफॉर्म डी से या सी से बैठे हैं तो अब मैं उधर चलता हूँ. और 15 मिनट हो गए हैं, 33 पे आनी है आ रही सॉरी आईसी. तो 33 पे आईसी लेके तो देन आगे मूव करेंगे. तो होप सो अच्छा जर्नी रहेगा. अब इसमें एक मसला है कि मैंने आईसी बुक की थी ना, तो आईसी ने दो कनेक्शंस मुझे दिए थे. अब एक कनेक्शन मैंने चेंज करना है इधर से कलोन एचबीएफ और कलोन से आगे फिर डॉर्टमुंड की लेनी है. तो अब जो मेरा कनेक्शन था लाइक जो मैंने टिकट जब बाय किए थे, तो अगर अब मैं देखूं जो फास्ट ट्रेन जो है फास्ट ट्रैक है, तो फास्ट ट्रैक यही है कि अगर मैं यहाँ से इसी आईसी पे आगे चलता हूँ ना लाइक हाम एक जगह है हाम एचबीएफ और उधर से मैं अगर लेता हूँ आरी, तो मैं जल्दी पहुँचता हूँ. लाइक मैं आधे घंटे से ज़्यादा टाइम सेव कर सकता हूँ. तो अब ये बात मैंने कंफर्म करनी है अपने किस दोस्त से. एक दोस्त लाइक काफ़ी जाता आता रहता है, तो उससे मैं कंफर्म करता हूँ कि क्या मैं आईसी अगर चेंज नहीं करता फिर भी जा सकता हूँ कि नहीं. लाइक आईसी ये जो आईसी मैंने लेनी है ये मुझे लेके जा सकती है क्लोन हाउथ बॉर्न हो, तो क्लोन एचबीएफ से मुझे चेंज करनी है. तो अगर मैं इसी पर ही बैठा रहता हूँ, मैं नहीं चेंज करता, तो देन क्या होगा. तो ये देखते हैं क्या बनता है, आधा घंटा सेव कर पाते हैं कि नहीं. तो ये था व्यू सारा बॉन एचबीएफ का. तो ये सारे लोग जो हैं ये आईसी के ही इंतज़ार में हैं क्योंकि अब आईसी आ रही है, कोई ट्रेन नहीं आ रही लाइक बाकी लेट है. तो चलें बाकी जर्नी स्टार्ट रहेगी. रास्ते में आपको थोड़ा लाइक व्यू दिखाऊँगा एंड देन पहुँच के कंटिन्यू करेंगे. तो ये आईसी में इंटर हो गए हैं. तो जब आप आईसी में बैठते हैं तो आपको चेक इन करना होगा. तो अगर तो आपने सीट रिजर्वेशन की हुई ऑलरेडी तो आपका सीट नंबर कंफर्म होगा ना, टिकट पे ही आप दे सकते हैं. नहीं तो जब आप आईसी में बैठेंगे तो आप सीट अपनी देख के चेक इन कर सकते हैं कि मैं सीट पे बैठा हूँ और आपकी चेक इन कंफर्म हो जाएगी. फिर आपके पास चेकर नहीं आएगा पूछने. तो चेक इन कर लिया तो अब लाइक 2 मिनट रह गए स्टार्ट होने वाली है आईसी. तो अब मिलते
चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कलोन से चेंज कर ली है आईसी, तो ये जो थी आईसी ये जल्दी पहुंचा रही थी और वो वाली नहीं जल्दी पहुंचा रही थी। और कन्फ्यूजन ये थी कि इसी आईसी पे मैं आगे जा सकता हूँ कि नहीं। तो वो अब यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो दूसरे बार जो आईसी थी वो कैंसिल हो गई थी, उसका नोटिफिकेशन मुझे आ गया। तो इससे ये क्लियर हो गया लाइक जब कोई आईसी कैंसिल हो जाती है तो आप कोई भी आईसी ले सकते हो फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो आईसीआईसी में बैठ के मैं जा रहा हूँ, तो ये क्लोन है ये बेसिकली बर्लिन जा रही है। तो रिश्ते में गोपा डाल आएगा और रागन जिस सिटी में मैंने उतर जाना है। मिलते हैं फिर वहाँ जाके। ये क्लोन के कुछ नज़र आपको दिखाता हूँ राइन के, ये राइन एंड राइन ब्रिज। अब बेसिकली मैं आ गया हूँ नीचे, लाइक ऊपर ट्रेन चल रही है उधर से मैं नीचे आया हूँ। तो ये बाहर का एरिया लाइक पार्किंग एरिया कह सकते हैं इसको, हाँ वेस्ट का। तो एक मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं, साइकिल्स लगी हुई हैं। और ये टोचे बान का ऑफिस है बीबी, और ये इस साइड पे भी गाड़ियाँ दे सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है कि लोग जो कंट्री साइड एरियाज होते हैं लाइक गाँव हैं, गाँव में से लोग आते हैं या कोई और सिटी में भी से लोग आते हैं अपनी गाड़ियों पे। गाड़ी हर एक के पास है, बल्कि एक से ज़्यादा गाड़ी, इधर लेना उतना मुश्किल नहीं है। तो इधर अपनी पार्क करेंगे गाड़ी और ट्रेन लेंगे लाइक दूर जाना है कहीं, ठीक है। इधर से कोई 200, 300, 500, 700 किलोमीटर जितना भी लॉन्ग जाना है ऐसे ही लेंगे, आ रही लेंगे तो अपना सफ़र करेंगे, क्योंकि वो इन्हें आई थिंक सस्ती पड़ जाती है जो भी। तो लाइक जो लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो अपनी गाड़ी को इधर पार्क करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाएँगे, जब वापस आएँगे इधर से सलह मारेंगे और वापस घर। तो ये एक लाइक इंफॉर्मेशन मैंने कहा ये भी आपको बताऊँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इससे देखो कितना फ़ायदा होता है लाइक गवर्नमेंट का कि पेट्रोल डीजल की कंजप्शन कितनी कम हो जाती है, क्योंकि लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, अपनी पर्सनल व्हीकल्स नहीं चलाएंगे, गाड़ियां नहीं चलाएंगे, तो वो बचत होगी ना। तो खैर कौमें ऐसे नहीं बन जाती
को बनती है इंडिविजुअल से, लोगों से। जब सब लोगों की सोच अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ वो तवज्जो दें और वो सोचें कि कैसे हम अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो फिर ही कौमें बनती हैं, फिर ही मुल्क ऊपर जाता है। यही जर्मनी वर्ल्ड वार टू के बाद तबाह हो गया था, और तब पाकिस्तान ने इनकी हेल्प की थी, जिस तरह पाकिस्तान की अब हेल्प करते हैं ना सारे ममालिक। पाकिस्तान पे क्राइसिस आए हैं तो पूरी दुनिया ने, कह लो कि मोस्टली मुल्कों ने जो डेवलप है उन्होंने हेल्प की है, डोनेशन दी है। तो तब 1960 के अराउंड पाकिस्तान ने जर्मनी को लाइक कह लें कि डोनेट की ये थी काफ़ी अच्छी अमाउंट। तो देख लें आज जर्मनी कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट। आफ्टर सम टेंशन पहुँच आए हैं डॉर्टमुंड प्लग हफन में। तो लाइक टाइम पड़ा काफ़ी ज़्यादा अभी, तो होपफुली वेट करते हैं हम। बोर्डिंग हो गई है तो अब वेट ही करना है, टाइम काफ़ी है। लेकिन एक वो टेंशन होती है कि लेट ना हो जाए, तो इसलिए टैक्सी करवाई उधर से हुआ है। तो यहाँ से कुछ देख लें फिर, कुछ सेंट वगैरह परफ्यूम ये वो एक्स्ट्रा सेंट्स काफ़ी अच्छे पड़े हुए हैं। ड्यूटीज फ्री एरिया है ना, तो लाइक प्राइस भी ठीक होती है, टैक्स वगैरह ऊपर इतना नहीं होता ना। तो मसला ये है कि मैं ज़्यादा लेके नहीं जा सकता सामान साथ, और सेंस में ये इशू करते हैं अगर 100 ml से ज़्यादा है। तो मेरे पास ऑलरेडी 100 ml से कम एक है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि और लूँ और नेक्स्ट मसला बने। लेकिन बड़े अच्छे हैं। खैर, आप लोगों को दिखाता चलूँ ड्यूटी के फ्री एरिया डॉर्टमुंड का। लें जी, ये हमारा प्लेन खड़ा है, रेडी हो रहा है और हम कर रहे हैं वेट। तो वो भाई और भाभी साथ ही मेरी आए टैक्सी पे, तो उनसे भी हेलो हाय हो गई है, कहते चलें एक ही फ्लाइट है हमारी, मतलब विजियर से मैं जा रहा हूँ और ये भी विजियर से जा रहे हैं, तो सेम ही टैक्सी ली थी हमने डॉर्टमुंड से। पहुंच गए हैं चेकिंग शेकिंग के बाद प्लेन की तरफ, और 10 मिनट में एवरीथिंग रेडी। तो अब निकलने लगे हैं रोम की तरफ, तो मिलते हैं जहाज के अंदर जाके। प्लेन में एंट्री हो गई है एंड एफ हमारी सीट है। विंडो सीट,